नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं SCA ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि आज वीडियो का पेपर हुआ है, उसमें सेकेंड शिफ्ट का पेपर के GS का आंसर की लेकर के मैं आया हूं। जो सेकेंड शिफ्ट का 3 से 5 शाम को पेपर था, उसका ये आंसर की है। 100% लगभग आंसर की एकदम सटीक और ऑथेंटिक है। इससे आप अपने पेपर का मिलान भी करवा सकते हैं, साथ ही आप इस पेपर को देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या जनरल अवेयरनेस का प्रश्न पूछा गया था आपके वीडियो 2018 के पेपर में। वीडियो 2018 का जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसमें क्या क्या पूछा गया है देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो हाल फिलहाल लिबोर में परिवर्तन का निर्देश RBI के द्वारा दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए? ये संविधान का प्रश्न है। समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत, मौलिक अधिकार। तो आपको पता है अगला है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, के DPSP ही वह सिद्धांत है जिन्हें आपके सरकार के द्वारा नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे, वुड अल्कोहल मेथेनॉल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेथेनॉल को, क्योंकि शुरुआत में लकड़ी के रूप में पाया गया था, लकड़ी में पाया गया था, इसलिए मेथेनॉल को ही वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है SGBLP, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है। तो नाबार्ड पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ SGBLP सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम को ई शक्ति कहा गया है। क्या कहा जाता है? ई शक्ति कहा गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बना है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का है, जो पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बना है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल है? तो सब लोग जानते हैं कि लवणीय जल में अगर बात किया जाए तो वान झेल जो है तुर्की की, वो सबसे ज्यादा लवणीय मानी जाती है, सेकेंड नंबर पे। इसी तरह थर्ड नंबर पर ग्रेट साल्ट लेक आती है। तो इस ऑप्शन में, इनमें ऑप्शन देखेंगे तो ग्रेट साल्ट लेक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने जो आपके चार झील दी हुई, इनमें ग्रेट साल्ट लेक हो जाएगा। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तोलकाप्पियम है, तोलकाप्पियम जो रचना है ये तमिल व्याकरण की कौन सबसे पुरानी रचना है, व्याकरणिक रचना है, तोलकाप्पियम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो यह जो थीम है ये CSIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला से संबंधित है, 1 वीक 1 लैब।
अगला है कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया है कोडवा हॉकी महोत्सव। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 है जो विदेशियों को भी मिला हुआ है, तो इसी में बात किया जा सकता है कि विदेश यात्रा आदि की बात की गई है। निम्नलिखित में से जोवियान ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा शुरुआत के जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये सब हैं, ये सब आपके पृथ्वी के जुड़े हुए ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद जब अगला ग्रह आते हैं कि वीनस, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, यूरेनस आदि हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, तो ये सब जोवियान प्लैनेट कहलाते हैं, बृहस्पति ग्रह, तो इसमें यूरेनस हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में CE20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो इसरो ने इसका परीक्षण किया है, CE20 क्रायोजेनिक इंजन का। अगला है एंटासिड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? याद रखेंगे मटकी जो है मध्य प्रदेश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का? मध्य प्रदेश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। एक प्रश्न ये रह गया है, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को इसके लिए प्रयोग किया जाता है। किसे? कैल्शियम कार्बोनेट को। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर इसका किया गया है। क्या किया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। ध्यान रखेंगे उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है, आंसर सी होगा। अगर निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो इसमें अगर बात किया जाए तो किलादी संग्रहालय हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? तो ICMR ने इसके लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। भारत में VOC वेरानिगडे उस्टिन डी से कॉम्प्रेगी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरीके से कहा जाए डच कंपनी का नाम था, याद रखिएगा डच से संबंधित। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारी का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य के किस नदी पर हुआ? याद रखिएगा मानस नदी पर। किस नदी पर? मानस नदी पर। सिल्वी कल्चर से क्या आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा यह वन खेती का विज्ञान है, वन खेती से संबंधित है सिल्वी कल्चर, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो औरंगजेब ने शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो अनाई मुदी है जो इससे संबंधित है, ध्यान रखेंगे। मॉडेम की गति की गणना किस दर से की जाती है? तो BPS से की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ आएंगे तो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद
याद रखेंगे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस हम मनाते हैं। तो कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला है, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है? तो बहुबली, इसका नाम रखा गया है बहुबली, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? तो नासा के साथ साझेदारी हुई है यूएसए के साथ। अगला है, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो ये हरियाणा से संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दूर दृष्टि दोष है, स्थायित्व तो हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में पूसा कृषि मेले का आयोजन किया गया है। लाए लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी का संबंध किससे है? तो मधुबनी बिहार राज्य से संबंधित है, खास करके मिथिला आदि मिथिलांचल प्रांत से संबंधित है, नेपाल बॉर्डर से। अगला, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय एशियाई कप्तान है? तो अभिलाष टॉमी, ठीक है। देखें, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे के सत्यभामा दास बीजू को द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक पहल शुरू की है? तो नागपुर ने भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है। इधर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है इससे संबंधित ध्यान केंद्रित करता है, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? डॉक्टर सज्जन सिंह यादव, याद रखिएगा। अगला आते हैं, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल संविधान को लिखा है। लाहे इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया है? तो पोचमपल्ली को चुना गया है, याद रखिएगा, पोचमपल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो हम इसमें हम्पी स्मारक, विजयनगर राजवंश, लिंगराज मंदिर, सोमनसी राजवंश, हजार स्तंभ मंदिर, काकतीय राजवंश, खजुराहो जो है चंदेल राजवंश से संबंधित, इससे चोल से नहीं चंदेल, तो ये गलत मिला हुआ है, याद रखेंगे। अगला है, निम्न में सूरसेन महाजनपद की राजधानी, तो याद रखिएगा मथुरा थी सूरसेन जनपद की राजधानी। किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गोगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई है? तो कोलकाता में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखेंगे। धारा 144 पे निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखेंगे।
अगला है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखेंगे प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं, गलत है। मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित है और हस्तांतरणीय है, ये भी गलत है। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार और हस्तांतरणीय, ये भी गलत है। अगला, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, ये सही है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। 148 नंबर देखिए, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित किस स्थान पर पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में धज्जी देवरी प्रणाली पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीन दयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो कांडला बंदरगाह को दीन दयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी। याद रखेंगे, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना लंदन 1905 में की थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आपके वीडियो री एग्जाम 2018 के सेकेंड शिफ्ट के 26 तारीख के जीएस का आंसर की रहा, जिससे आप मैच करा सकते हैं। लगभग लगभग 100% सारे आंसर सही हैं, एकदम बेफिक्र होकर के आप मिलाइएगा। और साथ में अगर आपने नहीं दिया एग्जाम, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके अगले एग्जाम के लिए जरूर देखिएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, और साथ में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हैव अ गुड डे, गुड लक।